हेलो गाइस गाइज वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन सनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर दैट इज़ सनेट 147। जैसा हम सभी जानते हैं विलियम शेक्सपियर के सारे सनेट्स को उनके फर्स्ट लाइन से भी जाना जाता है और सनेट 147 का फर्स्ट लाइन है माई लव इज़ एज अ फीवर लॉन्गिंग स्टिल विलियम शेक्सपियर ने टोटल वन फिफ्टी फोर सनेट्स जिसमें से सनेट वन से लेकर वन ट्वेंटी सिक्स तक दे हैव बिन एड्रेस टू अ फेयर यूथ और बचे हुए जो भी सनेट्स हैं मतलब सनेट वन ट्वेंटी सेवन से वन फिफ्टी फोर तक दीज ऑल आर एड्रेस टू अ डार्क लेडी कोई एक मिस्टीरियस लेडी है जिसके बारे में किसी को डिटेल में नहीं पता पर लोग ये गेस करते हैं एज if शेक्सपियर ने ये सारे सनेट्स उन्हीं के लिए लिखे नाउ किसी भी सनेट को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है दैट मीन्स कि इस सनेट का भी मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर ऐसे मीटर टॉपिक के अंडर में आयम्ब टर्म का मीनिंग होता है एक ऐसा फूट जिसमें दो सिलेबल्स होंगे पहला वीक सिलेबल और दूसरा स्ट्रॉन्ग सिलेबल। और पेंटामीटर मतलब कि एक लाइन में पाँच फीट होगी दैट मीन्स कि इस सनेट में भी हर एक लाइन में पाँच फीट होंगे और वो इस तरह से अरेंज होंगे एक वीक सिलेबल फिर एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल ऐसा टोटल टेन सिलेबल्स होगा तब जाके पाँच फीट बनेगा और वैसे अगर आपको मीटर के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है लिंक डिस्क्रिप्शन में है बाकी आप जानते हो कि सनेट के मेनली टू वेराइटीज़ होते हैं शेक्सपियरियन और पेट्रार्कन और ये शेक्सपियर ने लिखा है सो so इट्स शेक्सपीरियन सनेट और इसे इंग्लिश सनेट भी कहा जाता है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल रहा और आपको इससे मदद मिली एंड यू वांट टू सपोर्ट मी फाइनेंशियली तो मेरा यूपीआई आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर जाकर अपना अमाउंट सेंड कर सकते हो वॉट यू विश टू सेंड ना ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं कि ये सनेट इंग्लिश सनेट में लिखा गया है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी समझ लेते हैं किसी भी सनेट में फोटीन लाइन्स होते हैं तो क्लियरली इसमें भी है और एक शेक्सपियरियन सनेट में वो फोर्टीन लाइन्स चार स्टैंड में डिवाइडेड होते हैं पहले तीन स्टैंडा क्वार्टरेंस होते हैं यानी हर एक स्टैंडजा फोर लाइन्स का तो हो गए फोर थ्री जो ट्वेल्व लाइन्स और लास्ट में एक कपलेट होता है यानी कि अ स्टैंजा ऑफ टू लाइन्स एक शेक्सपियरियन सनेट की राइम स्कीम होती है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी और मीटर तो मैंने बता ही दिया इट्स आएम्बिक पेंटामीटर एक शक्सपीरियंस सनेट का टर्निंग पॉइंट जिसे वोल्टा कहा जाता है वो यूजुअली कपलेट से शुरू होता है यानी कि थर्टींथ लाइन में स्टार्ट होता है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन हियर इज द फर्स्ट क्वाट्रेन की फर्स्ट स्टैंडा माय लव इज एज अ फीवर लॉन्गिंग स्टिल फॉर दैट विच लॉन्गर नर्सथ द डिजीज नाओ पहले ही मैं एक बात बता देती हूँ कि यहाँ पर एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ हुआ यानी कि एक कंपैरिजन है जो पूरे पोम में कंटिन्यू किया है ऑलमोस्ट पूरे पोअम में इस सनेट के जो स्पीकर है जो बहुत सारे लोग मानते हैं कि खुद शेक्सपियर हैं उनकी मोहब्बत को उनके प्यार को एक बीमारी से कंपेयर किया गया है और ये कंपैरिजन पूरे सनेट में कंटिन्यू करता है फर्स्ट लाइन में मे ये भी कह सकते हैं कि सिमिली यूज़ हुआ है क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन है और एज वर्ड के थ्रू अ कंपेरिजन है माई लव इज़ एज अ फीवर मेरा जो प्यार है तो इस सनेट में दिखाया गया है कि वो सिर्फ इनका प्यार नहीं इनका पागलपन है इनका जुनून है जिसने इनके सोचने समझने की पावर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया इनकी रीजनिंग की एबिलिटी को ख़त्म कर दिया है ये लॉजिकली ना तो एक्ट कर पा रहे हैं ना ही थिंक कर पा रहे सोच पा रहे हैं सो so, मेरा प्यार एक बुखार की तरह है एक बीमारी की तरह है लॉन्गिंग स्टिल फॉर दैट लॉन्गिंग वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का एक बहुत तीव्र इच्छा स्ट्रोंग डिज़ायर तो मेरा वो जो प्यार है जो पागलपन है एक बीमारी है जो आज भी उसी चीज़ की ख्वाहिश रखता है उसी चीज़ का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अपने मन में रखा है इस चीज़ से ये प्यार नाम की बीमारी और बढ़ती है ना यहाँ प्यार इज़ नॉट समथिंग लाइक प्योर लव यहाँ प्यार से डिनोट कर रहे हैं पोइट एक डिज़ायर एक सेक्शुअल डिज़ायर या एक अटैचमेंट एक अट्रैक्शन को सो इन लाइन्स के थ्रू स्पीकर ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जो प्यार है वो अब पागलपन बन चुका है और वो बार बार उसी की इच्छा रखता है जो उनके अंदर के इस पागलपन की बीमारी को और बढ़ावा दे रहा है दैट इज़ वो बार बार चाहता है कि उनका जो बिलवड है मे बी इट्स द डार्क लेडी वो उनके सामने आ जाए उनके साथ रहें लेकिन वो ये भी जानता है कि उनके आने से शायद थोड़ी देर की सुकून तो मिलेगी पर उससे वो बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी सो so इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ विच लॉन्गर नर्सेथ द डिज़ीज़ नर्स वर्ड का मतलब होता है किसी की सेवा करना किसी का ख्याल रखना तो कोई चीज़ का जब हम ख्याल रखते हैं तो उसकी उम्र बढ़ जाती है डिज़ीज़ को नर्स करना मतलब डिज़ीज़ को पालना और उसको और बढ़ावा देना सो कंक्लूडिंग द पॉइंट कि मेरा प्यार एक बुखार की तरह है एक बीमारी की तरह है जो उसी चीज़ की ख्वाहिश रखता है उसी चीज़ को पाना चाहता है जिस चीज से वो बीमारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी इन शॉर्ट स्पीकर ये बताना चाह रहे हैं कि वो रिलेशन बहुत डैमेजिंग और टॉक्सिक हो चुका है इस बात की शायद समझदारी भी है पर इनका डिजायर इनका पैशन उस समझदारी को फॉलो करने नहीं दे रहा है फीडिंग ऑन दैट विच डोथ प्रिजर्व द इल द अनसर्टेन सिकली एपेटाइट टू प्लीज अरी वो पागलपन वो प्यार की जो बीमारी है वो उसी चीज़ पर फीड कर रही है जो बीमारी को और प्रिजर्व करके पाल पोस करके बचा करके रखेगा सिकली एपेटाइट मतलब एक ऐसी भूख है जो मुझे बीमार कर देगी और भी ज़्यादा मेरे इस पागलपन की बीमारी को बढ़ाएगी इस प्यार की बीमारी को बढ़ाएगी बट एपेटाइट यूजुअली किस चीज़ को यहाँ पर डिनोट कर रहा है दैट समथिंग लाइक सेक्शुअल डिज़ायर और सम फिजिकल प्लेजर तो अपने उस भूख को प्लीज करने के लिए मतलब अपने पैशन को सेटिस्फाई करने के लिए इनके सामने इनके उस प्यार को ले आया जाए बट जो रिलेशन टॉक्सिक हो चुका है वो दो लोग जब और करीब आएंगे फिर से तो और भी ज़्यादा मन खराब होगा वो पागलपन और भी ज़्यादा बढ़ेगा सो मे पोएट ये कहना चाह रहे हैं दैट उनकी बिलवड इन्हें चीट कर रही हैं किसी और के साथ रिलेशन कर रही हैं या वॉट एवर द पॉइंट इज बट थिंग इज़ कि उनका प्रेजेंस इनके लिए कोई रियल लव या मैजिक के जैसा नहीं है वो इनको पागल कर देता है वो बार बार चाह रहे उसको हासिल करना उसको पाना वो चीज़ जो इनके लिए जहर हो चुकी है टॉक्सिक हो चुकी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टैंड जाकर राइंग स्कीम देख लेते हैं फिर और लिटरेरी डिवाइसेस समझेंगे फर्स्ट और थर्ड लाइन के लास्ट के साउंड सेम है इट्स स्टिल एल सो उसे हमने ए ए मार्क कर दिया और सेकेंड और फोर्थ लाइन के लास्ट के साउंड सेम है डिजीज प्लीज उसे हमने बी बी मार्क कर दिया तो इस तरह से स्टैंडा क्राइम स्कीम हो गया ए बी ए बी इंजाममेंट मतलब होता है कि जब एक पोम का एक लाइन ख़त्म हो गया है पर वो सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ है जैसे माई लव इज़ एज अ फीवर लॉन्गिंग स्टिल फॉर दैट विच लॉन्गर नर्सित डिजीज सो वी आर रनिंग ऑन फर्स्ट लाइन में सेंटेंस फिनिश नहीं हो रहा है सो इट्स रन ऑन लाइन या उसे ही इन्जाममेंट बोलते हैं देन एलिटरेशन लिटरेरी डिवाइस भी यूज़ हुआ है ये तो हम सभी लोग जानते हैं जब एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का स्टार्टिंग का कॉन्सोनेट साउंड सेम होता है दैट इज यहाँ आप देखिए लव लोंगिंग लव फीवर तो सो व कॉन्सोनेंट साउंड दोनों में सेम है इसलिए हम कह सकते हैं कॉन्सोनेस फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वैसे स्टैंजा में एक और लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है दैट इज़ पॉलिप्टॉन ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें सेम रूट वर्ड के वर्ड्स को यूज़ किया जाता है जैसे यहाँ पे आप देखिए लॉन्गिंग लॉन्ग दोनों ही वर्ड्स का रूट वर्ड है लॉन्ग नाउ इट्स टर्न फॉर द सेकेंड क्वाट्रेन दैट इज सेकेंड स्टैंजा माई रीजन द फिजिशियन टू माई लव ना यार रीजन क्या है तर्क मतलब मेरे सोचने समझने की शक्ति माई ब्रेन्स द फिजिशियन टू माई लव तो जो मेरे प्यार की बीमारी है उसका वो फिजिशियन है फिजिशियन मतलब डॉक्टर है तो अगर हम लॉजिकली सोचें तो हम समझेंगे कि वो प्यार जो मेरे लिए टॉक्सिक हो चुका है उसे मुझे और ज़्यादा इन्वाइट नहीं करना चाहिए अपने लाइफ मुझे उससे दूर रहना चाहिए तो हम एक रैशनल माइंड के साथ अगर सोचें तो ऑफकोर्स हम एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उसे अपनी ज़िंदगी से अपने सोच से हटाने की कोशिश करेंगे उस तो पागलपन से एक्चुअली हम आज़ाद हो पाएंगे और हाँ यहाँ पे फर्स्ट लाइन में सीज्योरा लिट्ररी डिवाइस यूज़ हुआ है क्योंकि माई रीज़न के बाद एक शॉर्ट पॉज है Angry that his prescriptions are not kept hath left me and I desperate now approve, desire is death which physic did accept. Now stanza में reason को यानी कि सोचने समझने के शक्ति को logic को personify किया गया है, उसे दिखाया गया है as if वो एक डॉक्टर है जो कि नाराज हो गया है क्योंकि उसकी प्रस्क्रिप्शन फॉलो नहीं किए जा रहे हैं बीमारी से ठीक होने के लिए उसने जो इलाज बताया है उसे पेशेंट फॉलो नहीं कर रहा है और गुस्सा के वो भी पेशेंट से यानी स्पीकर से दूर चला गया है उससे सलाह देना छोड़ चुका है स्पीकर का ही लॉजिकल माइंड जो उन्हें उस बीमारी से प्यार के पागलपन से बचा सकता था वही नाराज़ है क्योंकि स्पीकर ने अपने सोचने समझने की शक्ति को छोड़ दिया है उसकी बातें ही नहीं सुनते थे तो नाराज़ हो के उसने भी अब बताना छोड़ दिया है इनको गाइड करना छोड़ दिया है एंड आई डेस्परेट नाउ अप्रूव और डेस्परेटली बहुत व्याकुलता के साथ बेचैनी के साथ मैं ये अब समझ रहा हूँ कि उसके प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही थे कि उसने जो बातें कही थी वो मुझे मान लेनी चाहिए अब मैं ये भी समझ रहा हूँ दैट डिज़ायर इज डेथ कि जो मेरा ये पैशन है ये पागलपन है जो डिज़ायर है अपने बिलविड को पाने की हासिल करने की दैट्स नेक्स्ट टू डेथ विच फिजिक डिड एक्सेप्ट मतलब वो जो डिज़ायर से मेरी मृत्यु के जैसी मौत की जैसी एक सिचुएशन आ चुकी है उस पागलपन की सिचुएशन से उस डेथ लाइक सिचुएशन से अगर इन्हें कोई निकाल सकता था दैट वॉज द मेडिकल ट्रीट यहाँ पर डॉक्टर को मेडिकल ट्रीटमेंट को कंपेयर किया गया है टू द लॉजिकल माइंड तो लॉजिकल माइंड के लॉजिक को अगर फॉलो किया जाता अगर रैशनली सिचुएशंस को हैंडल किया जाता तो शायद ये बच सकते थे उस बीमारी से बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपने लॉजिकल थिंकिंग को रोक दिया लॉजिकली एक्ट करना छोड़ दिया हैथ यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर हैज़ इस स्टैंडा के फोर्थ लाइन में आप देखिए एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है डिज़ायर डेथ स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट साउंड सेम है वैसे और भी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे कॉन्सोनेंस एजोनेंस एलिटरेशन आप खुद से फाइंड कीजिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए इस स्टैंडा में भी आप देखिए फर्स्ट और थर्ड लाइन के लास्ट के साउंड सेम है लव अप्रूव सो इट्स सी सी क्योंकि हमने फर्स्ट स्टैंडा में बी तक मार्क किया था और सेकेंड और फोर्थ लाइन के लास्ट के साउंड सेम है दैट इज कैप्ट एक्सेप्ट सो इसे हम डी डी मार्क करेंगे सो सी डी सी डी नाउ इट्स टर्न फॉर द थर्ड क्वारन और थर्ड स्टैंज़ा पास्ट क्योर आई एम हियर द वर्ड पास्ट मीन्स बियॉन्ड तो अब मेरी जो स्थिति है जो सिचुएशन है दैट इज बियॉन्ड क्योर अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता नाउ रीज़न इज पास्ट केयर मीन्स जो मेरी लॉजिकल थिंकिंग थी इट्स ऑल्सो नाउ नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी क्योंकि मैंने उसकी प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं की उसकी बात नहीं सुनी तो इस वजह से शायद अब उसने भी मेरे बारे में केयर करना छोड़ दिया है दैट मीन्स कि अब स्पीकर के माइंड में लॉजिकल थिंकिंग होना ही बंद हो गया है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग ने उनका साथ छोड़ दिया है एंड फ्रेंटिक मैड विथ एवर मोर अनरेस्ट अनरेस्ट मीन्स बेचैनी फ्रेंटिक मैड मीन्स एंशियस एंड क्रेजी मतलब मैं बहुत व्याकुल हो चुका हूँ एंक्शस हूँ पागल हो चुका हूँ विथ एवर मोर अनरेस्ट एवर मोर का मतलब है अनएंडिंग मीन्स इनकी जो बेचैनी है इनका जो अनरेस्ट है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है माई थॉट्स एंड माई डिस्कोर्स एज मैड मैंस आर मेरे अब जो थाट्स जो विचार हैं और डिस्कोर्स का मतलब होता है जो वर्ड्स एंड सेंटेंसिस दैट आर स्पोकन मतलब कि अब जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ माई थाट्स एंड माई डिस्कोर्स और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल एक पागल आदमी के जैसा है मतलब वो खुद को डिक्लेयर कर रहे हैं एज इफ ही हैज़ गॉन कम्प्लीटली मैड एट रैंडम फ्रॉम द ट्रूथ यहाँ पे रैंडम का मतलब है वेरी फार अवे तो वॉट आइम स्पीकिंग जो मेरे वर्ड्स है मेरा डिस्कोर्स है वो सच्चाई से बहुत दूर हो चुके हैं वेनली एक्सप्रेस्ड, वेनली वर्ड का यहाँ पर मतलब है विदाउट मीनिंग मेरे वर्ड्स के कोई अर्थ आप निकाल नहीं सकते उसमें कोई सेंस नहीं हो सकता इस टैंजा के थर्ड लाइन में भी एल्ट्रेशन लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है माई दो बार है एंड मैड मैंस सो एम साउंड रिपीट हो रहा है और इस टैंजा के फर्स्ट लाइन में भी Use हो रहा है. Cure and care. तो भी स्टार्टिंग का साउंड सेम है इट्स टर्न फॉर दी फेयर एंड दी ब्राइट अगेन यहाँ पे आर के एक वर्ड दी यूज हो रहा है दी का यहाँ पे मतलब है यू वैसे तो स्वयर वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस करना और जब हमें किसी बात को इंसिस्ट करके कहना होता है कि आप मानिए कि ये बात बिल्कुल सही है तब भी हम स्वर वर्ड का यूज करते हैं स्वर्ण उसी का पास टेंस है जैसे मुझे किसी को कहना है कि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो और मुझे इस बात को बहुत इंसिस्ट करके कहना है दैट वॉट आई एम सेंग इज़ रियली रियली ट्रू तो मैं कहूँगी आई स्वेर यू आर लुकिंग डैशिंग और यू आर लुकिंग गॉडजियस तो उसी तरह से यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं फॉर आई हैव सोर्न दी फेयर मतलब इस बात को मैंने इंसिस्ट करके खुद से भी कहा था और दुनिया से भी कहा था देट यू आर वेरी ब्यूटिफुल और यहाँ पे खूबसूरत का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं है स्पीकर इससे इंटरनल ब्यूटी को भी मीन कर रहे हैं एंड थाट दी राइट दी मीन्स अगेन यू और मैंने ये भी सोचा था कि तुम बहुत ब्राइट हो तुम अपने आसपास की दुनिया को रोशन कर दोगी सभी जगह को खुशियों से भर दोगी नाइट आल अगेन यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका सेंस है आर ऊ आर एज ब्लैक एज हेल तो ये हु किसको डिनोट कर रहा है ये डिनोट कर रहा है उस डार्क लेडी को तो जिसे मैंने इतना खूबसूरत समझा था वो रियली में हेल के जैसी काली है और रात के जैसे अंधेरी है सो इट्स नॉट लाइक लिटरली वो काली है या वो अंधेरापन फैलाती है नो इट्स नॉट लाइक दैट स्पीकर ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से रात एक नेगेटिविटी को डिनोट करता है अंधेरा को लैक ऑफ होप को सैडनेस को डिनोट करता है बिल्कुल तुम वैसी ही हो और हेल तो हम समझते ही नर्क जहाँ पर लोग गलत काम करके जाते हैं सो यू आर दैट बैड और इस कपलेट में आप देखिए दोनों ही लाइंस के लास्ट के साउंड सेम हैं तो इसे हम मार्क कर देंगे जी जी दीज आर द थीम्स ऑफ दिस सनेट और अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यू पी आई आई डी मैंशनड है लाइक द वीडियो द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए थैंक्स अ लॉट